कैसे हैं जी? आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी अर्से बाद आज हमें कच्चे अम्बियाँ मिली थी तो हम मंगवाई हैं, तो उसमें से एक आम तो थोड़ा नरम ही निकला है, तो बट फिर भी सोचा कि दोबारा पता नहीं मिले कि ना मिले, तो इनकी छोटी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक मैं इसकी नॉर्मल चटनी बनाऊँगी, आप रोटी के साथ रख के खा सकते हो, चावल वगैरह जो भी आप बनाएं, और एक थोड़ी सी मीठी बनाते हैं क्योंकि एक आम ख़राब निकल आया था और छह आम थे, एक उसमें से पका हुआ है जी, तो बस थोड़ी थोड़ी सी बनाऊंगी ताकि आप लोगों के साथ एक नया रेसिपी शेयर हो जाएगी, शायद किसी और को फ़ायदा हो जिसको ना आती हो वो देख के बना सके जी। तो चले बनाते हैं इसको। ये मैंने तकरीबन छोटी वाली चिली थी मेरे पास, मैंने चार ली हैं, और इसमें ये दो मेरे पास अम्बियाँ थी, एक मैंने कच्ची इधर कर ली है और एक थोड़ी सी जो पकी हुई निकल आई थी जी। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालना है, नमक पहले दिखा दूँ जी आप। नमक मैंने जी सिर्फ एक चौथाई हिस्सा लिया, लेकिन नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये वाली जो मेरे पास मशीन है जिससे ग्राइंड कर लूँगी मैं इसको। ये जी मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी के लिए है, क्योंकि इसलिए मैंने पानी कम लिया है कि इसमें भी थोड़ा सा पका हुआ है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो मेरी मदर या जो मेरी खाला वगैरह बनाते हैं तो वो तो इस तरीके से बनाते हैं कि खुले पानी में डाल के ना, तो जी एक पानी को रिमूव कर देते हैं, तो बाद में चाशनी सी बना के उसमें डालते हैं। बट क्योंकि मेरे पास मैंगो थोड़ा पका हुआ है, तो इसलिए मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। तो बस इसको जैसे बॉयल आता है इसमें मैं मैंगो ऐड कर दूंगी। ये मैंने सिर्फ एक चुटकी सा नमक लिया है, और टीस्पून का चौथाई हिस्सा ब्लैक पेपर है, और चौथाई हिस्सा ही रेड चिली पाउडर है, ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। हमारी चटनी बन गई है। मैंने इसमें ये वाला एक चम्मच चीनी और डाल लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया, तो ये देख लें आप, ठीक हो गई है जी, बड़े अच्छे से बन गई है। इसमें थोड़े से बादाम डाल दूंगी मैं। आपने देखा जी कि कितनी मज़े की आम की चटनी बनती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो ऑलरेडी खाते हैं बनाते हैं वो बताइएगा कि मैंने ठीक बनाई है। ये है कि बस काफ़ी अर्से बाद मिली है भाई, हमें तो बड़ी पसंद आई है, शुक्र किया कि चटनी मिली है, तो आपके साथ भी शेयर कर दिया। छोटी सी ये रेसिपी थी जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को देखना चाहते हैं डेली तो प्लीज़ इसकी सपोर्ट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करके। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।